नमस्कार दोस्तों, महर्षि आयुर्वेद में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे गोखरू के बारे में। जैसे गोखरू कैसा होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके गुण क्या है और इसका प्रयोग कैसे करें। दोस्तों, गोखरू दो प्रकार का होता है, एक छोटा गोखरू और दूसरा बड़ा गोखरू। काफ़ी प्रयोग करता है जो सवाल पूछते हैं कि कौन सा गोखरू असली है, छोटा वाला या बड़े वाला। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गोखरू के दो भेद हैं, एक छोटा वाला जिसमें 5 कांटे होते हैं, जिसका आकार लगभग चने के बराबर होता है, और दूसरा बड़ा गोखरू जिसमें 4 कांटे होते हैं, जिसका आकार लगभग छोले के बराबर होता है। आयुर्वेद अनुसार दोनों गोखरू की जड़ और फल मीठे, शीतल, पौष्टिक, मज्जावर्धक, कामोद्दीपक और धातु परिवर्तक होते हैं। पथरी, मूत्राशय के रोग और गुद्दा भ्रंश रोग में यह लाभदायक है। यह जलन को कम करते हैं, त्रिदोष को नष्ट करते हैं, कफ रोग, दमा और श्वास कष्ट में फायदा पहुंचाते हैं, चरम रोग, हृदय रोग, बवासीर और कुष्ठ में लाभदायक है। इनके पत्ते कामोद्दीपक और रक्त शोधक होते हैं। इनका क्षार शीतल, कामोद्दीपक, वातनाशक और रक्त शोधक होता है। ये दोनों ही सूजन को नष्ट करने वाले, आयु को बढ़ाने वाले तथा शुक्र, परमेह और सुजाक को दूर करने वाले होते हैं। अर्थात यह बात तो स्पष्ट है कि आप इन दोनों गोखरू में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग के लिए आप इन दोनों गोखरू के सूखे चूर्ण का इस्तेमाल एक साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 100 ग्राम छोटा गोखरू, 100 ग्राम बड़ा गोखरू, 100 ग्राम शुद्ध कोच बीज, 100 ग्राम सफ़ेद मूसली, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम गिलोय सत्त और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री, जिसे डले वाली मिश्री भी बोलते हैं। इन सभी 7 चीज़ों को लेकर चूर्ण बनाकर कपड़ छान करके अच्छे से मिलाकर हवा बंद डब्बे में रख लें। इस चूर्ण की 10 से 20 ग्राम की मात्रा का सेवन सुबह शाम दूध के साथ करने से हर प्रकार की नपुंसकता, वीर्य की कमजोरी, हस्त मैथुन के विकार, सौपन दोष और अनैच्छिक वीर्य भाव बंद हो जाते हैं। साथ ही पेशाब संबंधी सभी समस्या नष्ट होकर वीर्य बलवान बनता है, जिससे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू के पौधे की वीडियो का लिंक और इन्हें ऑनलाइन खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी मेरा कहना यही रहेगा कि गोखरू को आप स्वयं जंगल से लाकर प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो या कोई तर्क हो तो कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।